शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, आज से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे सांसदों को शपथ। पीएम मोदी सहित अन्य सदस्य शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर पैनल में 5 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर पीएम को संसद में शपथ दिलाएंगे। आज से लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, पहला सत्र आज 18वीं लोकसभा का है। प्रोटेम स्पीकर आज सांसदों को शपथ दिलाएंगे। पीएम मोदी सहित अन्य सदस्य आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर पीएम को संसद में आज शपथ दिलाने वाले हैं। तो आज शुरुआत होगी 18वीं लोकसभा की, पहले सत्र की। जो तमाम सांसद हैं वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो लोकसभा का पहला सत्र, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज होगा। आज प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम शुरू करेंगे। इसके साथ ही सत्र के दौरान 26 जून और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो जाएगा, सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, पहले दिन क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। और जाहिर है कि 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है, और सत्र जो 3 जुलाई तक चलेगा। और इस शपथ प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं भर्तृहरि मेहताब, उसके सहयोगी उनके सहयोगी जो पीठासीन अधिकारियों द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी, वही 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगी। यानी कि आज का अहम दिन होने वाला है, जिस दिन 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो आज शुरू होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी निर्वाचित सांसदों की शपथ से आज इसकी शुरुआत होगी। जी रवि, आज तीसरी बार सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। जिस वक्त वो शपथ लेंगे, कितना ज्यादा खास वो पल रहेगा? निश्चित तौर पर बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैं वो शपथ देने वाले हैं। और जाहिर है कि आज शपथ ग्रहण जब होगा तो निश्चित तौर पर जो जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उन सभी की शपथ ग्रहण होने वाला है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज ऐसे अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र वहां से शुरू होने जा रहा है, और जो 3 जुलाई तक चलेगा, और निश्चित तौर पे बड़ा अवसर होने वाला है। और आज से इसकी शुरुआत होगी जो संसद का, जो कह सकते हैं कि जो सत्र का जो पहला दिन होने वाला लोकसभा का, तो जाहिर है कि एक अहम दिन होने वाला है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर तीसरा कार्यकाल है वो उनका शुरू हो रहा है, तो जाहिर है कि खास तौर पर भाजपाइयों के लिए बेहद उत्साह है। और प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार का कार्यकाल है वो शुरू हुआ है, और जाहिर है आज लोकसभा का जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का आज पहला दिन है, और आज इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, और इसके साथ इसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, बहुत ज्यादा अहम दिन रवि आज है। 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, लेकिन अब ये तीसरा कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार में, जब एनडीए फिर से काबिज हुई है केंद्र में। तो अब आज जब इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी, इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने होंगे, वो उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो विपक्ष की ओर से इस दौरान अब तीसरे कार्यकाल के 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में उठाए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम सारे मुद्दे होंगे, विकास का मुद्दा होगा, उसके अलावा अगर हम बात करें किसानों की समस्या है, तमाम सारे ऐसे काम है जिनको लेकर चाहे सरकार ने काम किया हो या विपक्ष उनको लेकर सवाल उठाते रहा हो, लेकिन जब सत्र की शुरुआत होगी देखना होगा किस तरीके से सत्र है उसकी शुरुआत होती है। हालांकि पहला दिन है, देखना होगा कि पहले दिन के साथ में उसकी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि पहले दिन जो शपथ है वो दिलाई जाएगी सभी सांसदों को, नवनिर्वाचित जो सांसद हुए हैं। फिलहाल आप देखना होगा कि सत्र की शुरुआत के दौरान क्या कुछ चीजें हैं वो देखने को मिलती है। जी
बिल्कुल, सत्ता पक्ष में जोश है तो विपक्ष में भी जोश की कमी नहीं है। इस बार दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद होंगे। जो सांसद हैं, जो नए सांसद बनकर आए हैं, उनकी शपथ ग्रहण आज होगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। देखना होगा क्या कुछ दिलचस्प चीजें वहां से सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारियों के लिए। रवि आप बने रहे।